बिरयानी कमाल की रेसिपी है ना, सुनते ही मुंह में पानी आने लग जाता है, दिल खाने का करता है। लेकिन जैसे ही इसे बनाने की बात आती है तो घर की लेडीज को जो है आने लगता है आलस कि भाई इसे बनाए कौन, इसमें इतनी झंझट होती है कि क्या कहें। पहले तो कटिंग चॉपिंग प्रिपरेशन, फिर उसके बाद चिकन मटन को मैरिनेट करना। लेकिन आज हम आपके साथ शेयर करेंगे इतनी सिंपल वे में बनाई हुई बिरयानी कि आप इसे खाकर जो है खुद चौंक जाओगे कि आपने इतने कम समय में इतनी अच्छी बिरयानी बनकर रेडी कर ली है। मतलब कि ये बिरयानी जो है आपने चलते फिरते बनाकर रेडी कर लेनी है और घर वालों को खुश कर देना है। हेलो एवरीवन, आज मैं आपके साथ बहुत ही इजी तरीके की बिरयानी की रेसिपी लेकर आई हूँ, सिंपल बिरयानी रेसिपी। तो बिल्कुल भी वक्त ना गवाते हुए हम शुरू करते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आज ही आप पहली बार मेरे चैनल पर विजिट हुए हो तो प्लीज़ 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बाजू में बेल आइकन दिया हुआ है उसे भी प्रेस कर लीजिए, जिससे कि मेरे हर आने वाली नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पर मैंने 500 ग्राम इतना बासमती राइस ले लिया है, उसे मैंने अच्छी तरह से 2-3 पानी से वॉश कर लिया है और इसे मैं तकरीबन आधे से पौना घंटा के लिए भीगने के लिए छोड़ दूंगी। अब यहाँ पर मैं एक कुकर ले लेती हूँ और इसके अंदर मैं तकरीबन 200 ग्राम इतना ऑयल डाल दूंगी और फ्लेम को हमने एकदम हाई रखना है। और जैसे ही तेल गर्म हो जाता है हम इसके अंदर एक बड़ा प्याज जो कि मैंने लच्छों में कट कर लिया है इसे मैं इसमें डाल दूंगी और इसका हम बना लेंगे बिरिस्ता और इसे अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन होने देंगे। जैसे ये ब्राउन हो जाता है हम इसे अलग कर लेंगे, एक टिश्यू पेपर पे निकाल देंगे और अब हम इसी ऑयल में कुछ खड़े मसाले ऐड करते हैं। तो यहाँ पर मैंने लिया है 15 से 20 लौंग, 2 इंच दालचीनी का टुकड़ा, 2 बड़ी इलायची, 4 तेज पत्ता, 6 हरी इलायची के दाने, 12 से 15 काली मिर्च। अब इन सब को डालकर हम सिर्फ 1-2 मिनट चला लेंगे। यहाँ पर मैंने 2 प्याज ले लिया है जिसे मैंने एकदम फाइनली चॉप कर लिया है। मैं इसे अच्छी तरह से ब्राउन होने तक चलाती रहूंगी। यहाँ पर मेरा कांदा ब्राउन हो चुका है, अब मैं इसमें गोश्त ऐड कर दूंगी। तो यहाँ पर मैंने 750 ग्राम इतना गोश्त लिया है, हड्डी वाला गोश्त है ये, इसमें फैट भी है। फैट इसलिए लिया है मैंने यहाँ पर कि इससे जो है बिरयानी में काफ़ी अच्छा टेस्ट आता है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो आप स्किप कर सकते हैं। मटन एकदम फ्रेश है, मटन को मैंने अच्छी तरह 3-4 बार पानी से वॉश कर लिया है। अब मैं इसे इसमें ऐड कर देती हूँ और इसे मैं चलाते हुए भूनती रहूँगी। लगभग 5 मिनट तक हमें इसे भूनते रहना है। अब मैं इसमें 1 टेबल स्पून इतना हल्दी पाउडर ऐड कर दूंगी। यहाँ पर मैंने 2 टेबल स्पून इतना अदरक लहसुन ऐड कर दिया है। इसे अच्छी तरह से भूनना है 1-2 मिनट बस। यहाँ पर मैंने 1.5 बड़ा चम्मच नमक डाल दिया है, 6 हरी मिर्च जिसे मैंने बीच में से कट कर लिया है। यहाँ पर मैं 2 टेबल स्पून इतना चिकन मसाला ले रही हूँ, आप कोई भी ब्रांड का ले सकते हो। और इसी के साथ मैंने 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर ऐड कर दिया है, 2 टेबल स्पून इतना धनिया पाउडर ऐड कर देंगे और इन सबको अच्छी तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पर मैं 2 बड़े टमाटर की प्यूरी इसमें ऐड कर दूंगी। टमाटर को हमने अच्छी तरह से भुनना है ताकि इसके अंदर जो एक कच्चा फ्लेवर होता है वो पूरी तरह से चला जाए। यहाँ पर 2 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर ऐड कर रही हूँ, आप चाहो तो तीखा अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हो। 100 ग्राम इतना कर्ड ले लिया है यानी कि दही, उसे मैंने अच्छी तरह से फेंट लिया है। अब आप इसमें देख रहे हैं इसमें उबाल आ रहा है, कुकर का लीड लगा देंगे हम, क्योंकि यहाँ पर मेरा मटन जो है एकदम फ्रेश है इसलिए इसे गलाने के लिए मुझे 3-4 सीटियाँ काफ़ी है। फ्लेम मैंने एकदम हाई रखा है, हाई फ्लेम पे मैंने 4 सीटियाँ दे देनी है। मैंने यहाँ पर
एक पतीले में तकरीबन 1.5 लीटर इतना पानी ले लिया है और उसे गर्म होने के लिए रख दिया है। अब इसमें मैं तकरीबन 1.5 चम्मच इतना नमक ऐड कर दूंगी। नमक आप अपने स्वाद अनुसार रखें, क्योंकि हमने ग्रेवी में भी ऐड किया है। यहाँ पर मैं 1/2 टीस्पून शाही ज़ीरा ऐड कर दूंगी, 5 से 6 हरी इलायची, 4 तेज़पत्ते के पीस, 6-7 लौंग के पीस, साथ ही 1 कटोरी इतना मैंने कटा हुआ धनिया ऐड कर दिया है और उसी के साथ मैं यहाँ पर पुदीने के कुछ पत्ते भी ऐड कर दूंगी। 3 हरी मिर्च ले ली है, उसे मैं बीच में से इस तरह से तोड़कर इसमें ऐड कर दूंगी। 1 नींबू का रस, 1 छोटे बॉल इतना तेल ऐड कर दूंगी और इन सबको अच्छी तरह से मिला लूंगी। एक बार पानी में अच्छी तरह से बॉईल आ चुका है, अब इसमें हमने अपने भिगोए हुए चावल ऐड कर देना है। चावल को डालते के साथ कभी भी करछी नहीं चलाना है, वरना आपके चावल जो है एकदम टूट सकते हैं। हमें चावल को सिर्फ 80% पकाना है। यहाँ पर मेरे चावल 80% पक चुके हैं, मैं एक दाना चेक करके आपको बता देती हूँ। अब मैं इसे पानी से अलग कर लेती हूँ, यानी कि एक स्ट्रेनर की मदद से आप इसे छान लें। पर मेरे कुकर में 4 सीटियाँ दे दी हैं, अब मैं फ्लेम को कर दूंगी ऑफ और इसे मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी जब तक कि ये अपने आप से डिप्रेशराइज नहीं हो जाता है। इसे हमने बिल्कुल भी सीटी होने के साथ नहीं खोलना है। अगर आपने ऐसा किया तो आपका गोश्त कभी भी नहीं गलेगा। मैं आपको एक मटन का पीस जो है चेक करके बता देती हूँ। माशाल्लाह बहुत अच्छा गला है, हाथों की मदद से ही टूट जा रहा है। अब मैं इसमें से 1/2 एक अलग से बॉल में ट्रांसफ़र कर लूँगी। आप चाहो तो चावल को डायरेक्टली ऐसे भी डाल सकते हो, लेकिन मुझे लेयर वाली बिरयानी ज़्यादा पसंद है। इस तरह से मैं चावल का एक लेयर बिछा दूंगी और अब मैं इसे अच्छी तरह से फैला लूंगी। इसके ऊपर हमने कुछ धनिया पत्ती, कुछ पुदीने के पत्ते और साथ ही हमने इसके ऊपर बनाया हुआ बिरिस्ता डाल देना है और ऊपर से हम डालेंगे केसर वाला दूध। कलर ऑप्शनल है, आप ना चाहो तो ना डालो। यहाँ पर मैंने ऑरेंज फूड कलर ऐड किया है। अब मैं इसी तरह से अपने सारे लेयर्स लगाती जाऊंगी। और आखिर में हम डाल देंगे बिरयानी का एसेंस, जिससे कि फ्लेवर काफ़ी अच्छा आता है। ये बिल्कुल ऑप्शनल है। साथ ही 2 बड़े चम्मच देसी घी ऐड कर देंगे। अब हम इसका लीड लगाकर तकरीबन 15 मिनट के लिए लो टू मीडियम फ्लेम पर छोड़ देंगे। हम फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसकी भाप जाने का वेट करेंगे। तो लीजिए, बनकर रेडी है हमारी सिंपल इजी मटन बिरयानी। अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और साथ ही अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो अपनी अगली रेसिपी को लेकर मैं दोबारा फिर से आपसे मिलती हूँ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफिज़।